डर लग रहा है तो मतलब बस नेस की निशानी ये क्या है, ये आगे आना जरा दिखाना, ये क्या है ये? एक चप्पल आपकी एक नीचे। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का जो दिन है वो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि जोरा सीखने वाली है अब कार ड्राइविंग, और ये एक्साइटेड भी है कि नहीं है? बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड। एक्साइटेड में एक्साइटमेंट के साथ में नर्वसनेस, बहुत ज्यादा नर्वस भी बहुत। और ये फर्स्ट टाइम कार चलाना सीख रही है दोस्तों, मेरे को तो खैर बचपन से आती है, नेचुरली सीख, अब ये सीखने वाली है, तो लेट्स सी कि कैसा क्या रहता है। और कुछ नहीं, बस देखते हैं कार कैसे चलती कैसे नहीं चलती। सो गाइस, चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। अब हम जा रहे हैं आगे और दिखाते हैं आपको कि कैसा शानदार वाला एक्सपीरियंस रहता है जोरा का। तो यहाँ पे जोरा जी चाय सर्व कर रही है अभी हाल फिलहाल, और चाय बन की तैयार है। ओहो गाइस, ये तो आते ही इन्होंने वेलकम कर दिया, इसे बोलते ओवर एक्साइटमेंट पे बनाना। ये क्या हो रहा है आज, कैसे ऐसे कैसे हो गया ये? डर लग रहा है तो क्योंकि तुम चाय की पत्तियां गिरा दोगे नीचे है। आप आ जाओ, बच गई, आप आ जाओ, बैठ जाओ। चिप्स मांग रहा मालिक, चिप्स। गाइस लेट्स सी, मैं भी झूल बोल रहा हूँ। और वेदर जो है बहुत ही बढ़िया हो रहा है, धूप बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हो पीछे की तरफ। तो अब लेट्स सी कि कैसा क्या रहता है, अब आपको दिखाते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चाय पी लेते हैं, मस्त ताज़ा तर उतारा हुए थे, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। तो ये हमारी गर्मा गर्म पतीली में चाय बन रही है और यहाँ पे सर्व भी हो गई है। तो गाइस हमारी चाय यहाँ पे रेडी हो गई है, अब इसको जल्दी से ख़त्म करके नीचे चलेंगे। और गाइस ज़रूर बताना कि अगर आपके भी घर में ऐसे डब्बे बने हुए हैं, ज़रूर बताना कितने वहाँ पे बिस्किट हैं, कितने नमकीनें हैं, सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। ये क्या है गाइस, घर वाले भी सो रहे हैं तो हम काफ़ी धीरे धीरे बोल रहे हैं, पहले वाले ने तो बहुत तेज़ बोला था आवाज़ आ गई अंदर से, अब हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। टोस्ट ने रखा ही नहीं नीचे गाइस, टोस्ट नहीं आया अभी तक हमारा। हाँ गाइस, तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि एक्चुअली में क्या हो गया है, ये किसने मार दिया कर दिया। ये मारा करा नहीं है, एक्चुअली निशान इन्फेक्शन हो गया मुझे, मैंने एक टैबलेट ली थी तो ये उसका थोड़ा इफेक्ट आ गया, तो ये थोड़ी ओवरऑल बॉडी में कहीं पे गया था बट लिप्स पे सबसे ज़्यादा होता है, सो प्लीज़ इग्नोर। सो गाइस हमने चाय वगैरह पी ली है और अब हमारे पास कॉल भी आ गया है भैया का, तो हम जा रहे हैं नीचे। बढ़िया, मज़ा आ रहा है, खा पी के अच्छा लग रहा है, पेट फुल हो गया ना, अब अच्छे से गाड़ी सीख जाएगी चलाना। देखा, खा के एकदम मस्त चकाचक हो जाता है। रेडी? गाइस ये रही कार और जोरा भी इसमें सीख रही है। तो हाल फिलहाल आई है स्विफ्ट सबसे पहली कार मारुति की, फास्ट स्पीड वाली, और जोरा को स्टीयरिंग पे बैठा दिया है और ये धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रही है, और जहाँ तक मुझे लगता है सीख जाइए, धीरे धीरे बढ़ा रही है गाड़ी। एंड यस, इट्स टेकिंग स्लोली स्लोली आगे, दे आर गोइंग, और ये फाइनली गाड़ी आगे धीरे धीरे जाते हुए। चलते हैं अंदर की तरफ। सो अनफॉर्चुनेटली गाइस, कार के अंदर सिवाय सीखने वाले के कोई दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता, क्योंकि उनके पास और भी स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया और बोले कि सर हमारे पास और भी स्टूडेंट्स होते हैं, सबको ले आना होता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा फैमिली मेम्बर को नहीं बिठाते। कोई दिक्कत नहीं, अब जब वो आएगी अपना एक्सपीरियंस बताने वाली है और आपके साथ भी शेयर करेंगे। जोरा आ गई है और देखते हैं, पूछते हैं कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस। एंड द वेट इज ओवर, कैसा रहा? डर लगा? तो इतनी डल डल क्यों हो गई सीख के आने के बाद? सो गाइस ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बस मैं इतना बताता हूँ कि अभी वो थोड़ी नर्वस हो रही है, और क्या है फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा मतलब वो होता है ना शिविंग वगैरह, सो वो सब चल रहा है, तो अभी उसको ऐसा लग रहा है, तो कोई नहीं, आज तो फर्स्ट डे है, अब आने वाले 12 दिनों में सीखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं और शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्राई करेंगे कुछ दिखाने की आप लोगों को। जब मैं सीख जाऊंगी ना पूरी तरह, उसके बाद में मैं खुद गाड़ी चलाऊंगी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट, सीखो फिर बताओ, फिर हम ज़रूर बैठेंगे आपके साथ गाड़ी के अंदर और फिर देखते। मोबाइल चलाने लग गई, ये तो बता कि सीखा क्या है तूने आज फर्स्ट डे के अंदर? मैंने कुछ दो
दो चार चीजें भी सीखी हैं। जैसे अगर अपन गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीट चेक करते हैं अपन, सीट बेल्ट पहनते हैं अपन, और फिर उसके बाद में हैंड ब्रेक चेक करते हैं कि लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, उसके बाद में हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टीयरिंग को कमांड करते हैं, ये चीज़ें। तो कुछ मतलब जजमेंट कैसा था, क्लियर विजन आ रहा था एक बार के लिए कि हम लोग सिर्फ स्टीयरिंग पे ध्यान दे रहे थे उस टाइम पे? नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था सामने देखने में, और सारी चीज़ें हैंडल करने में से ब्रेक हो गया या क्लच, तो उन्होंने आज मुझे आज बिल्कुल छोड़ रखा था, उनके कंट्रोल में था, लेकिन मेरे पास था रेस और अपना ब्रेक, ये चीज़ें मैं कंट्रोल कर रही थी, साथ में ये स्टीयरिंग कंट्रोल करना और सामने देखना, थोड़ा डर लगा मुझे आज। डर लगा। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ क्या लगी, मतलब गाड़ी फर्स्ट टाइम चलाई है ना तूने, तो कैसा लगा देखो, मतलब कि कार में बैठी है, स्टीयरिंग पे बैठी है, तू पायलट है एक तरीके से, तो कैसा लगा देखो? अच्छा लगा मुझे, लेकिन थोड़ा डर भी बन जाता है जब आप ड्राइविंग सीट पे आ जाते हो, थोड़ा जिम्मेदारी वाली बात आ जाती है कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो, ये थोड़ा डर। नहीं वो तो खैर कंट्रोल होता है स्टार्टिंग डेज के अंदर उनके पास। तो गाइस हाल फिलहाल तो अभी तक शुरुआत ही हुई है, अभी तो पहला दिन है, मैं तो जस्ट एक नॉर्मली पूछ के आप लोग को एक बता रहा हूँ कि एक्चुअली में किस तरीके से लगता है फर्स्ट टाइम आप जब कार चलाने जाते हैं। तो मैंने तो खैर बहुत पहले सीख ली थी, अपने आप ही चलाना सीख गए थे घर वालों को देख देख के, और फिर मैं गेम्स भी बहुत खेलता था, कार गेम्स मुझे बहुत शौक है उन चीज़ों का, तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों से भी काफ़ी जजमेंट हो जाता है। फिर कल के लिए एक्साइटेड हो और भी ज़्यादा? एक्साइटमेंट कम दिख रही है मुझे, क्यों? बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, मैं देखना गाड़ी चला के सीख के आपको चला के बिल्कुल बताऊंगी, ट्रक चला के बता दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बोलते हैं नर्वसनेस की निशानी, ये क्या है, ये आगे आना जरा दिखाना, क्या है ये? चप्पल आपकी। मतलब हद होती है, मतलब किस चीज के बारे में क्या बोले, मतलब है क्या हो क्या रहा है, मतलब है ऐसा क्या हो रहा है, मतलब इतना क्या है, इतनी नर्वसनेस गाड़ी चलाने में, कल को तुमको बोले के प्लेन चलाओ फिर क्या करोगे? तो अभी तो बोलती है ट्रक चलाऊंगी। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग और ये था आज का फर्स्ट डे मेरा ड्राइविंग सीखने का। चलो गाइस, तो ओवरऑल ये कहानी थी आज की फर्स्ट डे, और काफी टाइम बाद हमने ब्लॉग किया है, सो आई होप आपको ये जो छोटू मोटू सा हमने ब्लॉग बनाया अच्छा लगा होगा, और हम कोशिश करते रहते हैं कि हम आप लोग के लिए नए ब्लॉग्स लेकर आए, लेकिन क्या करें थोड़ा बिजी रहते हैं, फैमिली वगैरह सारी चीज़ें हैं, सो हम थोड़ा मैनेज करते हैं और जल्दी जल्दी बना के आप लोग के लिए नए नए कंटेंट लेकर आने की कोशिश करते हैं। सो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये ब्लॉग स्टाइल थोड़ा अच्छा लगा हो, या आपको कोई कमी लगी हो, कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और लास्ट में एक पॉइंट और बोलूँगा, अगर हम ब्लॉग्स नहीं बना पाते तो आपको शॉर्ट्स के रील्स जो होती है वो देखने को मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे रील्स या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स, आप वो वाले वीडियोस भी हमारे एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।